मुरादाबाद में आरपीएफ, जीआरपी, चाइल्ड लाइन और बाल संरक्षण समिति की संयुक्त टीम ने बचपन बचाओ आंदोलन के तहत रेलवे जंक्शन पर ट्रेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रेलवे जंक्शन पर जनसेवा एक्सप्रेस के पहुंचते ही टीम ने ट्रेन से 6 बच्चों का रेस्क्यू कराया। इसको लेकर बचपन बचाओ आंदोलन के पदाधिकारी विनय कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें आशंका थी कि बच्चों को बाल श्रम के लिए हरियाणा के अम्बाला भेजा जा रहा है, लेकिन जब बच्चों से अलग अलग पूछताछ की गई तो ऐसा किसी तरह का मामला सामने नहीं आया है। सभी बच्चों को अलग अलग काउंसलिंग कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया उनका संगठन बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल अत्याचार, बाल उत्पीड़न रोके जाने का काम करता है। इन सभी में ऐसा कुछ इन बच्चों के साथ नहीं पाया गया, जिसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा। अब इन बच्चों के मामले में जो निर्णय लेगी वह बाल कल्याण समिति पर ही निर्भर करता है। मैं बचपन बचाओ आंदोलन से हूँ। कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल पुरस्कार विजेता रहे, उनका एक संगठन है बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि बाल श्रम, बाल तस्करी और अपने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर बच्चों के सर्वोत्तम हित को लेकर कार्य करता है। यहाँ पर आज जो है लगभग 11 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली थी, शाम को ही, कल ही सूचना मिल गई थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। एक गाड़ी में 20-25 बच्चे थे, जिसमें से एक सूचना के आधार पर, संदिग्ध सूचना के आधार पर उनको जो है इनका आज आरपीएफ, सीडब्ल्यूसी, जीआरपी और चाइल्ड लाइन और मेरे के सहयोग से बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से जो कुछ बच्चे उसमें थे जो उसमें अपने गार्जियंस के साथ थे, उनको जो है वो अपना बैठवाया गया गाड़ी में, वापस भेजा गया। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्वेच्छा से अपने का जो है बता रहे हैं कि हम वहाँ पर काम करने हम लोग घूमना जा रहे थे, कुछ बता रहे हैं रिलेशन में जा रहे थे, तो उनको जो है वहाँ से, इनके साथ कोई नहीं पाया गया, उनके माता पिता से भी बात हो गई है, संपर्क कर लिया गया है। ये वहाँ के क्या नाम, सहरसा से हैं, तो इनको जो है आज अभी इनका कानूनी प्रक्रिया के बाद में इनको मेडिकल कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा बाल कल्याण समिति निर्णय लेती है उसी के आधार पर इनका वो है करा जाएगा। रेस्क्यू कहाँ से किया? ये यात्रा कर रहे थे, अपने कंडीशन ठीक थी, कंडीशन में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन कुछ संदिग्ध शंका के आधार पर इनको उतारा गया था, लेकिन फिर भी जो है अपने सही निकले। लोकेशन हमारी जो है सहरसा से हमको प्राप्त हुई थी कि फला गाड़ी में, ये सहरसा जनसेवा एक्सप्रेस से कोई बच्चे यात्रा करने जा रहे हैं और ऐसे ऐसे ये जा रहे हैं अम्बाला। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में तो जो है ये हमें शंका के आधार पर मुझे ये लगा कि बाल श्रम करने जा रहे हैं, परंतु काउंसलिंग की गई बच्चों, लेकिन उसमें बाल श्रम का कोई लिप्त नहीं पाया गया। अब इनको बाल कल्याण समिति प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा न्यायपीठ निर्णय लेती है उसी के आधार पर, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं अभी।